वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग रहा है आपका 7 बजे स्टार्ट, शाम 7 बजे स्टार्ट। सो गाइस, आज का व्लॉग इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम कल सुबह निकल रहे हैं मसूरी। तो अभी मैं पूरी तैयारी व्यारी कर रहा हूँ, है ना, और अभी आपको भी दिखाऊंगा मैंने क्या क्या तैयारी करी है। सो गाइस, कल हम मसूरी जा रहे हैं। हमारा काफ़ी दिन से प्लान था, 5-6 दिन हो गए, मतलब एक हफ्ता हो गया, मतलब हमारा एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से प्लान था हमारा, मसूरी जाएंगे। और थोड़ा सा इस वजह से रुक गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, और थोड़ा सा हमने पता करा था वहाँ पर काफ़ी वेदर सही नहीं था, और वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही थी। पता नहीं, मेरे सुनने में आया ऐसा लैंडस्लाइड हो रही थी, अब पता नहीं अब क्या होगा, कल ही जाके देखेंगे, है ना। तो मेरे साथ देवाशीष कुशाग्रा जो सारी है, और डोडो है, और ध्रुव जितने भी है, पता नहीं है, हम 6-7 लड़के। तो सुबह निकल जाएंगे हम, यहाँ से निकलेंगे 4 बजे, सब मेरे घर के नीचे मिल जाएंगे। तो 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, सुबह 4 बजे, तो 9 बजे तक वापसी हो जाएगी हमारी। 9 बजे तक तो ट्राई करेंगे वापसी, पर देखते हैं। पर इतना जल्दी जा रहे हैं तो आराम से आ जाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे कल जाना है, इसलिए मेरी वजह से थोड़ा जल्दी प्रोग्राम कर रहे हैं। और थोड़े सबको कहीं ना कहीं संडे, तो सब कल कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो सब ने बोला कि भाई जल्दी प्रोग्राम करते हैं, 9 से पहले पहले घर आना है। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो तभी तो सबसे मेरी बातचीत हो गई है, सब रेडी हैं सुबह के लिए। तो आपको अभी अपनी तैयारी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपसे भी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, रुको। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह मैं मसूरी जाऊँगा, और लेट हो गई है, हमें 4:30 हो चुके हैं, गर्मी, पंखा क्यों चला रहा। सो अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, मतलब निकलने वाले, तो आपसे रास्ते ही मिलते हैं अब सीधा। हमने टोल पार कर चुका है, टोल से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर कितना जा रखा है टेम्परेचर, 6 डिग्री कुछ जा रखा है, और ठंडा बहुत हो रहा है। हमारे तो हसन हो गया, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और पीछे व्यू देखो यार, इसके लिए तो आया था मैं, इसी व्यू के लिए। क्या प्यारा व्यू है यार, सही में। सो अभी हमारा प्लान है कि अभी हम यहाँ से कहीं दुकान वकान मिलेगी आगे, तो कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब चाय पियेंगे, क्योंकि हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और आपसे रास्ते मिलते हैं, फिर हम जा रहे हैं माल रोड मसूरी की, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी हम पेट्रोल पंप आए थे, और दिख ही नहीं रहा। तो ये पेट्रोल पंप बंद है, 7:30 बजे तक खुलेगा, तो गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। देखो इसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है। सो देखते हैं, अभी एक और है, अभी तो काफ़ी आ गया वो, तो वहीं चलते हैं। 15 मिनट का होता है, है ना। तो चलो फिर आपसे माल रोड आने वाले हैं, तो थोड़ा सा रह गया, चलो मिलते हैं आपसे माल रोड में। भाई इसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं रहा है, देखो तो कम ही है, ठीक ठाक ही है। और ज्यादा पेट्रोल पम्प भी बंद है अभी, है ना। आग लगी कहाँ लगी, ढूंढ रहे पर कुछ नहीं मिल रहा भाई। 5:30 बजे कौन खुला होगा। अब एक काम ये होगा, अब यहाँ दिखा ना, कहाँ दिखा रहा तू, क्या बोलते हैं, अब ये एक काम यही होगा। तो भाई अभी माल रोड आ चुके हैं, और अभी माल रोड में कोशिश कर रहे हैं, अबे भाई तू मुझे दिखा, माल रोड में कोशिश कर रहे हैं कुछ मिल जाए खुला हुआ भयंकर, कुछ पीने के लिए मिल जाए। हर चीज़ बंद हो रहा भाई, हर चीज़ बंद है यार। तू मुझे तो अब यही लग रहा कि अब नीचे जाते हुए मैगी पॉइंट में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं भाई, अब पूरा बंदा यार, खामा भाई कहाँ जा रहे हैं हम भी। अब तू मुझे दिखा रहा है, तू वहाँ का दिखा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे आगे। चला भी जाएगा क्या गाड़ी। सो भाई देवांशी यहाँ पर कर रहा है, देवांशी देखो एक्सरसाइज कर रहा है गर्माहट लाने के लिए।
मैगी पॉइंट में ऐसी हरकत हो रही है। देखो भाई हरियाणा अंकित, ये तो क्या बोले भाई हेलमेट पहन के। और भाई यू देखो एक बार भाई, इतना प्यारा आ रहा है, कितना ठंडा हो रहा है भाई अंकित। हाँ देख लो यार, मुँह से बोला भी नहीं जा रहा। और ये रही मालूड। सो गाइस हम निकल चुके हैं वहाँ से, मसूरी से, और भयंकर गाड़ी चला रहा है अंकित। तेरा अंकित भाई गाड़ी ये चला रहा है, और अंकित भाई ये कर दो, बाबा तू गाड़ी चला, ये करेगा बेटे तेरे, यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैगी पॉइंट जा रहे हैं, ऊपर सब बंद था, नीचे कुछ ना कुछ तो खुला होगा। और भाई मैं पहली बार मैं चाय के लिए तरस गया हूँ भाई, वैसे मैं बहुत कम पीता हूँ पर पहली बार चाय के लिए तरस रहा हूँ। सिस्टम हैंग कर रहे हैं भाई, सिस्टम हैंग हो ही गया क्योंकि मेरे तो पैर सुन हो गए भाई, हवा घुस गई पैरों में तगड़ी वाली। सिस्टम हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और वो दो देवांश और डोडो पीछे रह रहे, पता नहीं कहाँ है वो। और ये पहाड़ देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा, और सामने व्यू भी बढ़िया मस्त है, देखो काफ़ी बढ़िया व्यू है। और अंकित भाई कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं बोलना चाह रहा। कुछ तो बोल दो यार, ठंड में क्या हाल होगी, कुछ बोला नहीं जा रहा ना। हाँ देख रहे हो भाई, जिंदगी में कभी ना हूँ सुबह। और ऐसी कुछ है देखो मसूरी की रोड, वो है इसके आप घर देख रहे कहाँ पर है मुझे कह रहा बोल भी आए भयंकर। सो गाइस बाड़ बाड़ आ गए हैं, तो जब आते हैं आपसे मिलाते हैं अभी, और वहाँ देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। हमारी ये रही मैगी, इतनी बढ़िया मैगी हो रही है, और ये देखो सामने व्यू चेक करो आप, ये दिखा दीजिए। और ये देखो ये रहे मेरे कुछ दोस्त। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, मैगी कैसी हो रही? बढ़िया हो रही, बढ़िया हो रही। तो खाना साले मुझे क्या कह रहा भाई। तो मैगी पॉइंट से तो निकल गए थे, और अभी देवांश ने एक सीन कर दिया था भाई, इसने बैंड पे पूरी गाड़ी मतलब लीन करने की कोशिश में इस एक्टिवा के पीछे दियो, ये पीछे के टायर के गज्जे थे, इसने लीन करने के चक्कर में ऐसे पूरी वाइट पट्टी में गाड़ी लगा दी, और मैं ऐसी और गाड़ी स्लिप होगी पीछे से, स्लिप नहीं पर स्लिप होगी थी, पर इसने संभाल ली, मैं नहीं पहनी सकते थे, इसने पहनी सकते थे, इसने पहले सिर के संभाली, तो हम बच गए यार। मैं इसकी और अभी पूरा इंजॉय करा, हर चीज़ निकल जाता दो मिनट में ना भाई। पहले उठा हूँ, तैयार व्यार हुआ हूँ फटाफट से, तो अभी ये मैं जाने किसी की रिटायरमेंट पार्टी में, तो अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मम्मी और भी हो गए, बस तानू जैसे आपको पता ही हमेशा लेट करता ही है, वही कर रहा लेट। तो अभी हम रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे हैं, तो अभी चाचा का फोन आ गया, वो आई टी पार्क मिलने वाले, तो अभी हम निकलने वाले फटाफट से, लेट हो गया वैसे हमें, अभी फटाफट निकलते हैं। चुके हैं ताऊजी के रिटायरमेंट से, और हम जा रहे हैं घर, ये मालदीव था नहीं, कौन सा वाला रास्ता है, ये रायपुर वाला तपोवन है, जो तपोवन रोड पे है, हम तपोवन रोड पर हैं, तो हम देख सकते हैं मौसम भी होने वाला है बारिश का, मतलब तो शाम तक तो आजकल हर दिन बारिश हो रही है गाइस, और आप मेरे को देख सकते हो वहाँ पर मिरर पर, हमने बहुत इन्जॉय किया रिटायरमेंट में।
बाकी शाम को बताएंगे। एंजॉय कर रहा, कुछ एंजॉय नहीं कर रहा। उसने कुछ खाया पिया बस आ गए, खाया पिया आ गए, क्योंकि इंटरेस्टेड ना था जाने के लिए। गलती हमारी, हम ना। सो गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और ये हमारा ब्यूटीफुल शानू। मुझे तो बैंक में नींद आ रही है। देखो सबसे पहले आप मौसम को देखो, कितना मस्त लग रहा मौसम। देखो क्या अल्टीमेट व्यू है। हमारे ग्रुप के लोग बिछड़ चुके हैं, अरे हमारे ग्रुप के लोग पता नहीं दिख नहीं रहे गाइस, क्योंकि शानू की जो स्पीड है ना, कहने की कोई हद नहीं है। देखो वेट, और आज तो मुझे दिखा रहा। देखो गाइस आज तो इतनी थकाई लग रही है ना भयंकर, मेरी आगे देखो लाल उड़ गई, नींद इतनी भयंकर आ रही। तो सुबह का कितने बजे का उठ गया था मैं, तीन बजे उठ गया। इसने मेरी भी नींद खराब करी गाइस, और तीन बजे उठ गया था मैं। फिर सबका एकदम मतलब कोई सुबह फ़ोन ही उठा रहा था, मुझे लगा साइड मिरर से देख रहा हूँ चाचा की गाड़ी भी दिख नहीं रही है, चाचा शायद से काफ़ी पीछे रह गए। आई टी पार्क तो पहुंच चुके हैं, और क्या बोलते हैं ताऊ जी का इंतजार कर रहे हैं। ताऊ जी चाचा और के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अनमोल रोने लग गया था कि मैं ताऊ जी के साथ जाऊंगा, तो ताऊ जी बैठ गए थे। और यहाँ पर मैंने दिखा है बड़ा फेमस छोले भटूरे वाला है, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। ये है भयंकर, हमने टेस्ट नहीं किया तब तक हम कोई फेमस नहीं बोल सकते। स्टॉल तो उसकी छोटी सी है गाइस, सब कुछ हमने कोई टेस्ट नहीं किया तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो कोई फेमस है। पर यार जिस हिसाब से भीड़ देख के तो हम यही कह सकते हैं ना कि फेमस है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। पास के चक्कर में भी तो सकते यार, पास में तो इतना ही, यहाँ पर आई टी पार्क में कम थोड़ी ना है, कितने होटल है, पर मुझे लगाते रहते हैं बहुत फेमस है। और आज मम्मी देखो, मम्मी का लुक देखो कैसे लग रही है, कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लग। और वो रे पापा गाइस, वो गोपाल जी वाला है, गोपाल जी छोले भटूरे। अट जा पापा का ड्रेस अप दिखा दे, हम ताऊ जी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। पापा जी ने दो पैक लगा रखे हैं, पापा ने दिया भैया की रिटायरमेंट में दो पैक लगाए हुए हैं, फिट हो रखा है मौसम। और मैंने गाड़ियाँ जिसलिए भागी, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी भयंकर वाली, मेरी आँखें अजीब सी हो रही थी, नींद से भर रही थी। तो आज मैंने गाड़ी भगाई फुल, मैंने कहा जल्दी पहुँचेंगे, पर यार चाचा और पीछे रह गए, वेट करना पड़ रहा है। तो देखो जैसे आज चाचा और आ गए हैं, वो आ गए आ गए हैं। सो आज देखो अनमोल रोने लग गया, क्योंकि ताऊ जी हमारे साथ जा रहे हैं, चाचा और अपने घर जा रहे हैं। और ये रही चाची यहाँ पर, ये चाची यहाँ पे अभी तो मैं उस टाइम तो अभी चाची नींद में गई, कहाँ से घर से। ये पीसी की सीट भी कंफर्टेबल लगती है ना मुझे सही में यार, इस पीसी की सीट में कितने महीनों से नहीं बैठा भाई, जो ही रिलैक्स मिलता है ना पापा को पूछ लेगा। तो गाइस हम घर आ चुके थे 4 बजे करीब, तो घर आते सर मैं सो गया था, क्योंकि यार इतना ज़्यादा थक रखा था मैं, सुबह का उठ रखा था 3 बजे का उठ रखा था, ऐसी नींद आ रही थी ना वहाँ पर भी, मेरे तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। तो धूप ऐसी पड़ रही थी सर में, तो क्या बोले, फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं घर आके थके सो गया था। अभी टाइम 8:30 हो रहे, अभी मैं उठा ही हूँ थोड़ी देर पहले। सो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।